Your given question is expand y equals to e की पावर x अपन cos x. सॉल्यूशन देखो क्या होगा यहाँ पे. गिवन फंक्शन दैट इज y इक्वल्स टू e की पावर x अपॉन cos x. तो इसको बताओ हम क्या लिख सकते हैं. इसको हम लिख सकते हैं ऐसा e की पावर x इंटू sec x. ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज फंक्शन ऑफ x. ओके, तो यहाँ पे हम निकाल देंगे पहले f ऑफ 0 निकाल देंगे. दैट इक्वल्स टू यहाँ पे जब 0 होगा आपको cos 0 क्या होता है, 1 होता है. ठीक है, तो sec 0 क्या होगा आपको, 1 होगा. यहाँ पे लिखा हुआ e की पावर 0 दैट इज़ 1, तो यहाँ तुम्हारा क्या होगा, 1 ही होगा. ठीक है, वैसे हम क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे. ठीक है, तो बताओ क्या होगा यहाँ पे, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो देखो तुम्हारा क्या बनेगा यहाँ पे, दिस इज एक बार इसको रखो e की पावर x, इसको सॉल्व करो, दिस इज सेक एक्स टेन एक्स. ठीक है, फिर इसको एक बार रखो, इसको सॉल्व करो, तो sec x इंटू e की पावर x. ठीक है, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज एफ ऑफ एक्स, या फिर इसको वाई लिख सकते हैं. ठीक है, दिस इज एफ ऑफ एक्स, है ना. तो देखो यहाँ पे देखो इतना क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा यहाँ पे. तो दिस इज एफ ऑफ एक्स इंटू टेन एक्स प्लस ये तुम्हारा बताओ क्या होगा, दिस इज ऑल्सो एफ ऑफ एक्स. ठीक है, तो ये अपना क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा. ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे एफ डैश 0, ठीक है, तो देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ 0 टेन 0 प्लस एफ ऑफ 0, ये होगा आपका. देखो तो फिर बताओ एफ ऑफ 0 को कितना दिया, 1 दिया हुआ है, और टेन 0 कितना होता है, 0 होता है. तो दिस इज 0 एंड दिस इज प्लस 1, तो कितना होगा आपको ये वैल्यू, इसके लिए कितनी होगी आपकी, 1 होगी. ठीक है, अब बताओ हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं. तो देखो तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एफ डैश एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है. तो एक बार इसको एज इट इज रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो दिस इज एफ ऑफ एक्स, और ये देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स लिख दिए. फिर सेकेंड टाइम बताओ क्या होगा, इसको एज इट इज रखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, तो दिस इज टेन एक्स एंड दिस इज एफ डैश एक्स लिख दिए. ये बताओ तुम्हारा क्या होगा, दिस इज, इसको यहाँ पे नहीं लिखते, इसको यहाँ लिखता हूँ मैं, प्लस एफ डैश एक्स लिख दिया इसको मैं. ठीक है, तो इसको हम ऐसे निकालते हैं एफ, ठीक है, इसको निकालो एफ डबल डैश 0 निकाल दो एक बार. तो देखो तुम्हारा क्या आएगा यहाँ पे, दिस इज देखो तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे, एफ ऑफ 0 दिस इज सेक स्क्वायर 0, है ना, प्लस टेन 0. फिर यहाँ तुम्हारा क्या आएगा, एफ डैश 0 प्लस एफ डैश 0. ठीक है, इसको सॉल्व कर लो एक बार, देखो क्या आएगा तुम्हारे यहाँ पे. ये तुम्हारा देखो कितना दिया आपके, आपको 1 दिया हुआ है. सेक स्क्वायर 0 इज अगेन 1. ठीक है, ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, दिस इज टेन 0 तो 0 होगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दिस इज 0. और यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या दिया है, एफ डैश 0, एफ डैश 0 देखो कितना दिया आपको, दिया हुआ 1 दिया हुआ है, तो प्लस 1, तो दिस इज हाउ मच, दिस इज 2. ठीक है, वैसे अब क्या करना, एफ ट्रिपल डैश एक्स निकाल लो. तो इसको सॉल्व कर लो एक बार, बताओ क्या होगा यहाँ पे तुम्हारा, दिस इज देखो यहाँ तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन तुमको यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, तो उसको ध्यान सॉल्व करना, पहले हम इसको एज इट इज रखते हैं, दिस इज एफ ऑफ एक्स लिख दिया यहाँ पे. इसको बताओ क्या होगा, दिस इज टू सेक एक्स. अब सेक एक्स को बताओ तुम्हारा क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है. ठीक है, फिर प्लस बताओ तुम्हें क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स एफ डैश एक्स हो गया. अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस सेक एक्स का बताओ तुम्हें क्या होगा, सेक सॉरी टेन तुम्हारा क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा तुम्हारे यहाँ पे. और ये तुम्हारा क्या होगा, एज इट इज लिख लो इसको. ठीक है, फिर प्लस इसको रखते हुए नहीं, हाँ इसको रखते, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे, तो दिस इज टेन एक्स एंड दिस इज एफ डबल डैश एक्स लिख दिए. फिर यहाँ पे आ जाओ, दिस इज एफ डबल डैश एक्स. ओके, अब यहाँ की वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, देखो तुम्हारा क्या आएगा यहाँ पे, एफ ट्रिपल डैश 0 निकाल लो यहाँ पे. तो देखो तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे, देखो
यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ देखो तुम्हारा टेन जीरो है कि नहीं, तो टेन से जीरो होता है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज जीरो, ओके। अब यहाँ पे आ जाओ, आपको एफ डैश जीरो बताओ कितना दिया हुआ है आपका, वहाँ पे वन दिया हुआ है, और ये कितना होगा, वन होगा, तो दिस इज वन। यहाँ पे आ जाओ, ये कितना होगा आपका, वन होगा, ये कितना होगा बताओ आपको, दिस इज एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे वन दिया तो दिस ऑल्सो प्लस वन। यहाँ पे टेन जीरो दिया हुआ है तो दिस इज जीरो। यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स दिया हुआ है तो एफ डबल डैश जीरो इज टू, तो प्लस टू, ठीक है। तो दिस इज वन प्लस इतना, तो दैट इज फोर, ठीक है। एंड वॉट एंड सो ऑन, ठीक है, हम निकालते रहेंगे। तो बस यहाँ पे आप मैकलॉरिन अप्लाई कर लो, तो यहाँ लिखो वी नो बाई मैकलॉरिन, मैकलॉरिन्स थ्योरम, बता क्या होगा आपका, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब वैल्यूज को रखो, एफ ऑफ एक्स इज वॉट, एफ ऑफ एक्स इज ई की पावर एक्स अपॉन कॉस एक्स, आपको दिया है क्वेश्चन में, तो दिस इज ई की पावर एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो, देखो तुम्हारा कितना दिया यहाँ पे, वन दिया, तो यहाँ पे रखो वन, दिस इज वन प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स, देखो कितना आपको दिया यहाँ पे, वन दिया हुआ है, तो यहाँ पे रखो वन, फिर यहाँ पे लिखो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू इज टू, एफ डबल डैश जीरो इज आपको यहाँ पे दिया है टू, तो यहाँ पे लिखो दिस इज टू, फिर यहाँ पे लिखो एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री इज सिक्स, यहाँ पे देखो तुम्हारा एफ ट्रिपल डैश कितना दिया है, फोर दिया हुआ, तो इसको यहाँ पे लिखो दिस इज फोर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो इसको वन प्लस एक्स, ये टू टू कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ये थ्री, तो ये तुम्हारा क्या होगा, टू होगा, तो यहाँ तुम क्या लिखोगे, टू एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, दिस इज ए की पावर एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ लिखना विच इज द रिक्वायर्ड एक्सपेंशन,